नमस्कार, इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया 2022। 2022 में भारत के 10 सबसे बड़े बैंक के बारे में बात करेंगे जो प्राइवेट हैं। इससे पहले जो भी गवर्नमेंट बैंक्स थे, टॉप 10 गवर्नमेंट बैंक्स इन 2022 इन इंडिया, उसके ऊपर वीडियो बनाया गया है। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में कंपनी नेम, मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और ब्रांचेज भी देखेंगे। ये सारा डाटा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट और विकिपीडिया से लिया गया है और भी कई सारे इंटरनेट सोर्सेज से लिया गया है। सबसे पहला बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। एचडीएफसी बैंक का पूरा नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,34,127 करोड़। इस कंपनी के अंतर्गत जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनकी संख्या है 1,52,511। ये लास्ट डाटा जो उनकी तरफ से रिपोर्ट किया गया है उनके आधार पर है। टोटल ब्रांचेज इंडिया में इनके 6,378 और फाउंडिंग ईयर इसका 1994, यानी आज से करीब 28 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। इसका पूरा नाम है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,33,319 करोड़। इस कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 97,354। ये 2020 का डाटा रिपोर्ट किया गया है। टोटल ब्रांचेस हैं 5,275 और फाउंडिंग ईयर है 5 जनवरी 1994। 5 जनवरी 1994, 28 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कोटक बैंक। इसका पूरा नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,77,647 करोड़। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कोटक महिंद्रा बैंक में है 71,071 और ये 2021 का डाटा है। टोटल ब्रांचेज है इस बैंक के अंतर्गत 1,600 और इसका फाउंडिंग ईयर है फरवरी 2003, 19 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। तो टॉप 3 बैंक इस प्रकार से हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक। इसके बाद आगे देख लेते हैं 7 बैंक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर पर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का पूरा नाम है एक्सिस बैंक लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,78,362 करोड़। इस कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 78,300। इस बैंक में टोटल ब्रांचेज हैं, ये डोमेस्टिक ब्रांच की संख्या है 4,758 और फाउंडिंग ईयर है 3 दिसंबर 1993। इसके बाद है इंडसइंड बैंक। अभी हाल फिलहाल में ये काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है इसके बारे में, अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं तो। इंडसइंड बैंक का पूरा नाम है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 88,587 करोड़। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंडसइंड बैंक में है 30,674, ये 2020 का डाटा है। टोटल ब्रांचेज है 2015, ये डोमेस्टिक ब्रांचेज है 2015 और इसका फाउंडिंग ईयर है अप्रैल 1994। इसके बाद है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक का पूरा नाम है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 47,203 करोड़। इस बैंक में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 17,736, टोटल ब्रांचेज है 1,892, 1,892 डोमेस्टिक ब्रांचेज हैं। फाउंडिंग ईयर है 1 जुलाई 1964, 1 जुलाई 1964। इसके बाद है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूरा नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 39,305 करोड़, 39,305.99 करोड़, ये 306 हो जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में है 23,486, ये 2021 का डाटा है, 23,486। टोटल ब्रांचेस इस बैंक में है 900+ ब्रांचेस इसमें है। फाउंडिंग ईयर है 1996। इस बैंक की स्थापना 26 साल पहले हुई थी। इसके बाद है यस बैंक। यस बैंक का जो स्टॉक है काफी ज्यादा पॉपुलर है, खास करके न्यू जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो ट्रेडर्स आते हैं उनके बीच। हालांकि इनके फंडामेंटल्स उतने अच्छे अभी फिलहाल नहीं है, तो अगर आप कोई भी बैंक पे या फिर जो भी आपको इस वीडियो में स्टॉक्स बताए जा रहे हैं बैंक के, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी पूरी सूझबूझ होनी चाहिए। आप सारा रिसर्च कीजिए, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। इस वीडियो को सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है। यस बैंक का पूरा नाम है यस बैंक लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 38,836 करोड़। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 23,800, ये 2021 का डाटा है। टोटल ब्रांचेज है 1,000+ और फाउंडिंग ईयर है 2004, 18 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी 2004 में। एक समय पे इसे इंडिया का नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक कहा जाता था और अभी क्या हाल है आप जानते हैं। तो कोई भी अगर आप कंपनी को देख रहे हैं तो पूरा एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, आंख बंद करके किसी पे भी इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद है बंधन बैंक। बंधन बैंक का पूरा नाम है बंधन बैंक लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 38,442 करोड़, 38,442 करोड़। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 60,211, ये 2022 का डाटा है। टोटल ब्रांचेस है 501, 501 ब्रांचेस हैं बंधन बैंक में और इसका फाउंडिंग ईयर है 2015, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी 7 साल पहले। इसके बाद है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पूरा नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 34,907 करोड़, 34,907 करोड़। इस कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है इस बैंक में 20,222,
टोटल ब्रांचेज है 580 प्लस 580 चालीस में ब्रांचेज है और इसका फाउंडिंग ईयर है अक्टूबर 2015 इसका फाउंडिंग ईयर है। तो यही सारे बैंक है जो कि टॉप 10 प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया 2022 में है। आने वाले समय में अगर रैंकिंग चेंज होता है इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ये सारे जो भी आपको बैंक के बारे में बताया गया ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे है, ठीक है। तो यही सारा था, इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से रिमेनिंग बैंक हैं जो कि टॉप 10 के बाद टॉप 10 में आते हैं, यानी कि टॉप 20 में आते हैं टॉप 10 के बाद। पहला बैंक है द फेडरल बैंक लिमिटेड, नेक्स्ट है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, करूर व्यस्य बैंक लिमिटेड, आरबीएल बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड, इसके बाद है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सीएसबी बैंक लिमिटेड, द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और 20 नंबर पे है डीसीबी बैंक लिमिटेड। इसके बाद जो है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि जो मेन रिक्वायरमेंट था आपको टॉप 10 बताने का मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे वो हो गया है। ये लास्ट में टॉप 10 के बाद 10 इसलिए ऐड किया गया क्योंकि जो गवर्नमेंट बैंक का वीडियो बनाया गया था उसमें आप लोगों का सवाल था कि ये सारे बैंक कहाँ हैं, तो इसके बाद जो टॉप 10 है यहाँ पे है। अगर आपको स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, अपकमिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स, निफ्टी सेंसेक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट सेक्शन मिल जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन भी आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।